आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मशहूर सिंगर और कंपोजर पप्पी लहड़ी का निधन, मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। दीप सिद्धू की मौत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख। जयंती पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे वाराणसी, मत्था टेका। जो बाइडेन ने फिर दोहराई धमकी, कहा रूस आगे बढ़ा तो देंगे जवाब। कुछ सैन्य टुकड़ियां हटाने के बाद बोला रूस, बातचीत को है तैयार। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बीजेपी उम्मीदवार एसपी बघेल पर किया गया हमला। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मतदान के अंतिम आधिकारिक आंकड़े मंगलवार को भी जारी नहीं हो पाए। इसका मुख्य कारण अभी तक सभी पोलिंग पार्टी का वापस नहीं आना पाया गया, जबकि 179 पोलिंग पार्टियों के लौटने का इंतजार किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सोमवार को प्रदेश में 65.10% मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी किया गया। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी टर्न आउट एक में अनुमति मतदान प्रतिशत 64.29% किया गया था। वहीं इस दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आने वाली पोलिंग पार्टियों से निरंतर संपर्क किया जा रहा है। उनके आने के बाद दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जाएगी, इसके बाद ही अंतिम मतदान प्रतिशत निकाला जाएगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 11 फरवरी को बंद भारत नेपाल सीमा मंगलवार को खोल दी गई। इससे पिथौरागढ़ व चंपावत जिलों के नेपाल सीमा में लगे बाजार व कस्बों के चहल पहल भी बढ़ गए। दोनों देशों के बीच व्यापार भी पूर्व की भांति शांत हो गई है। 11 फरवरी को भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल व मोटर पुल बंद हो गए थे। आवाजाही बंद होने से तो नेपाली ग्राहकों पर निर्भर भारतीय बाजार व कस्बों में भी वीरानी छा गई थी। पिथौरागढ़ जिले से 7 झूला पुल, सीता पुल, एलागाड़ा, धारचूला, बलुआ कोट, जौलजीबी, ड्यूडौड़ा और झूला घाट है। वहीं चंपावत में बनवसा व टनकपुर में मोटर पुलों से आवाजाही होती है। मामला धनौरी क्षेत्र के उद्यान विभाग का है, जहां आम आदमी के वृक्षों को काटने के लिए विभाग से विशेष परमिशन हासिल करना होगा, लेकिन वन माफियों के बिना अनुमति के ही आम के हरे भरे पेड़ काट दिए और उनके जड़ों को मिट्टी से ढक दिया, जबकि कई अन्य आम के पेड़ों को काटने के बाद उन पर आग लगाकर जला दिया गया। वहीं उद्यान अधिकारी का कहना है कि जो ये आम के पेड़ काटे गए हैं वो बिना अनुमति के काटे गए हैं और इस मामले की जाँच के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज के ग्राम सिसई पर एक कार और एक बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गया। इस हादसे में कार सवार लोगों को मामूली चोट आई है, जबकि बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बाइक सवार युवक को आनन फानन में CHC भर्ती कराया गया, जहां मामूली इलाज के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जिनकी आयु लगभग 28 वर्ष है और गोठा के निवासी है, उन्हें चोटिल अवस्था में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया था और चिकित्सकीय एग्जामिनेशन में ये पाया गया कि उनके सर में और पैरों में चोट थी। सर में थोड़ा सा गंभीर चोट थी, जिस कारण से इन्हें उपचार हेतु सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है और यहाँ यथासंभव उनको प्राथमिक। वही माघ पूर्णिमा स्नान पर भारी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे। इसके लिए हर की पैड़ी की प्रबंधकारियों संस्था की गंगा सभा के अलावा पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रतिबंध किए गए हैं। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की ओर से 14 फरवरी मकर संक्रांति पर स्थान प्रतिबंध लगाया गया था। इसके चलते गंगा स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय निवासियों को मायूस होना पड़ा था। बॉर्डर आदि से बड़ी संख्या में लौटा दिए गए थे। पूर्णिमा तिथि 15 फरवरी की रात्रि 9:42 से शुरू हो गई और 16 फरवरी की रात्रि 10:25 पर समाप्त होगी।
उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो चुका है और 10 मार्च को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मतदान के बाद विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी अपने आवास पर पहुंचे। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि इस बार युवा वोटरों ने अपना उत्साह दिखाया है। विकास नगर विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान बढ़कर 75.28% तक गया है, जो इस बार 5% ज्यादा है, जबकि 2017 में विधानसभा चुनाव में 70.58% हुआ था। यह लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। मंगलौर विधानसभा पे लगभग 78% लगभग कह रहा हूँ मैं पोलिंग हुआ है और इसमें हमें अनुमान है हम कम से कम मिनिमम कह रहा हूँ 45% में हम अकेले हैं और बाकी का जो भी बचता है उसमें सारी पार्टियाँ हैं। तौर पे पूरी अल्लाह को बीच में लेके कह रहा हूँ कि हम चुनाव जीत रहे हैं और बहुत भारी तादाद में जीत रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मंगलौर सीट पे बहुत मजबूती से लड़ी है। कांग्रेस का हो सकता है तीसरे नंबर आ जाए, लेकिन कस्बे में कांग्रेस से हमारी फाइट है और देहात में भारतीय जनता पार्टी से फाइट है, इसलिए निश्चित तौर पर लगभग 45% में हम हैं और चुनाव निश्चित तौर पर ऊपर वाले को बीच में लेके अल्लाह को बीच में लेके कह रहा हूँ चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। पहले तो मैं मेरे ख्याल से पूरी विधानसभा में जो है हमारा 78 पॉइंट कुछ जो है परसेंटेज हुआ है, उसमें से 40-45% तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा अकेले में। उत्तराखंड की सभी विधानसभा में बीते दिन 14 फरवरी को मतदान हुआ है, तो वहीं रुड़की के मंगलौर विधानसभा में भी लगभग 74-78% के करीब मतदान हुआ है, जिससे मंगलौर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी ने दावा करते हुए कहा कि 45% मतदान जनता ने हमारे हक में किया है। वहीं बसपा प्रत्याशी के करीबी माने जाने मरगूब कुरैशी ने बताया कि इस बार 45% वोटिंग बसपा के पक्ष में मंगलौर विधानसभा की जनता ने किया है। पूरे प्रदेश की जनता को और विशेष रूप से विकास नगर विधानसभा की महान जनता को धन्यवाद कि उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में एक रिकॉर्ड बनाया कि आज पूरे उत्तराखंड की तो शायद अभी आंकड़ा ना बता पाऊं, लेकिन देहरादून जिले में सर्वाधिक मत प्रतिशत 75% प्लस विकास नगर विधानसभा में हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र में मताधिकार करना लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम इस चुनाव में किया है और साथ ही साथ बहुत अनुशासन का प्रदेश। यमुना की पावन लहरों से सजी देवभूमि उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। वहीं रानीपुर विधानसभा क्षेत्र रामधाम कॉलोनी स्थित तक्षशिला स्कूल में बने पोलिंग बूथ में रात को हुए हंगामे के बाद सिडकुल पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।